हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम जेड ट्रांसफॉर्म, जब हमें डिफरेंस इक्वेशन गिवन हो विद इनिशियल कंडीशन उसको कैसे सोल्व करते हैं, इसमें ये देखने वाले हैं। यहाँ पे इनिशियल कंडीशन गिवन है तो हमसे पूछा गया, आउटपुट की वैल्यू पूछेगा, हमें इनिशियल कंडीशन दे देगा और इनपुट दे देगा। तो हमें ये डिफरेंस इक्वेशन दे रखी है। डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है, जैसे इसमें टर्म होते हैं y n - 1, इस टाइप के जो टर्म होते हैं उसे डिफरेंस इक्वेशन कहते हैं। तो इसे करने का देखो क्या तरीका, जब इनिशियल कंडीशन आ जाती है जैसे हम टाइम डोमेन में करते थे कंटिन्यूस में, लाप्लास में मैंने सिखाया था, ऐसे यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है वही अगेन टर्म। तो यहाँ पर जो हम रिप्लेस करेंगे एक्स एन को, एक्स एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो लेंगे, एक्स ऑफ जेड, ठीक है, वो वाई एन का वाई ऑफ जेड। जैसे जब एक्स ऑफ एन माइनस वन आएगा तब क्या करेंगे, उसका उसको किससे रिप्लेस करेंगे, इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ध्यान से देखना, एक एक पैटर्न को समझते हुए जाना है। तो जब एक की शिफ्टिंग आती है देन जेड की पावर माइनस वन एक्स ऑफ जेड प्लस प्लस, जैसे जेड की पावर माइनस वन है आगे जेड की पावर जीरो होगी, लेकिन एक्स ऑफ जेड तो नहीं लिख सकते दोबारा से, तो क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहली इनिशियल कंडीशन, ठीक है। कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे क्या है माइनस वन, तो वहां पे क्या लिख देंगे, माइनस वन। इसी तरह से एक्स ऑफ एन माइनस टू, जब एन माइनस टू को करेंगे उसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, ये टू से शुरू हो रहा है, यहाँ से माइनस टू से शुरू हो रहा, तो पहली चीज तो सेम जो हम वहां पे लिखते थे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। आगे क्या होता चले जाएगा, जेड की पावर माइनस टू के बाद जेड की पावर माइनस वन देन जेड की पावर जीरो आ जाएगा, लिख दो बस इसी तरीके से। लेकिन जब जेड की पावर माइनस वन लिखेंगे एक्स ऑफ जेड एक ही बार आएगा, उसके आगे जो भी कॉन्स्टेंट होंगे वो आते चले आएंगे उसकी पावर्स के बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स ऑफ पहले माइनस वन है तो यहाँ पे माइनस वन आएगा। अब एक्स की जेड की पावर जीरो आना चाहिए, तो जेड की पावर जीरो तो लिखते नहीं है, वो वन ही होता, उसके साथ क्या आएगा, जेड एक्स ऑफ माइनस टू। ऐसे ही एक सेम पैटर्न एक्स की पावर एन माइनस थ्री के लिए, आप समझ रहे हो कि कैसे लिख सकते हो फास्टली, जेड की पावर माइनस थ्री एक्स ऑफ जेड, ये चीज़ तो कॉमन हो गई पहले, अब पावर को बढ़ाते चले आप, माइनस थ्री के बाद माइनस टू माइनस वन ऐसे ही फिर जीरो तक। तो लेकिन क्या होगा, जितनी पावर उसके साथ उतना ही कॉन्स्टेंट, यहाँ पे माइनस टू है तो एक्स ऑफ माइनस टू आ जाएगा, यहाँ पे माइनस वन है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स ऑफ माइनस वन आ जाएगा, देन जेड की पावर जीरो, यानी कितना आ जाएगा लास्ट में, अगर यहाँ पे लास्ट में जीरो तो क्या कर देंगे, एक्स ऑफ माइनस थ्री। पैटर्न बन रहा कहीं पर, ध्यान से देखो, ये एक सेकेंड, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे इस वाली चीज़ को करेक्ट कर, ये चीज़ जो होगी ना हमेशा एक्स ऑफ माइनस वन एक्स ऑफ माइनस टू एक्स ऑफ माइनस थ्री बढ़ती चले जाएगी, जैसे एक्स ऑफ माइनस वन आया फिर एक्स ऑफ माइनस टू आया, ऐसे एक्स ऑफ माइनस थ्री आ जाएगा अगले में। यहाँ पे एक्स ऑफ माइनस वन जेड की पावर को बढ़ाते चले आओ, एक्स की पावर एक्स ऑफ माइनस टू, जेड की पावर जीरो आएगा लेकिन एक्स ऑफ माइनस थ्री। ऐसे ही एक्स ऑफ एन माइनस फोर के लिए जेड की पावर माइनस फोर, चलो मैं स्केप ये देख देता हूँ, लेकिन एन माइनस फोर फाइव के लिए आप कमेंट करके बताएंगे, इसको लिख दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, जेड की पावर माइनस फोर एक्स ऑफ जेड, अब यहाँ से बस एक्स ऑफ माइनस वन एक्स ऑफ माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर तक चले आएगी ये वैल्यू, लेकिन पावर को बढ़ाते माइनस थ्री आया एक्स ऑफ माइनस वन। ये पैटर्न एक बार याद हो गया तो काम बन गया, माइनस टू माइनस थ्री देन कितना हो जाएगा, एक्स ऑफ माइनस फोर। सभी एक्स ऑफ एन माइनस फाइव के लिए कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, जिसका करेक्ट होगा मैं उसको वहाँ पे बता दूंगा कमेंट में। तो बस ये वाले जो हमने ये रिप्लेसमेंट है इनको डिफरेंस इक्वेशन में लगा देना ऊपर। तो जब इस इन वाले वाई ऑफ एन की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, इस वाई ऑफ एन की जगह कितना लिख दूंगा मैं, यहाँ पे जैसे एक्स एन का एक्स ऑफ जेड है, वाई एन के कितना हो जाएगा, वाई ऑफ जेड। तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से लिखते आना हर एक इक्वेशन को, थ्री ऑफ वाई ऑफ जेड, ठीक,
नेक्स्ट माइनस फोर, जब वैसा टर्म आएगा जिसमें इनिशियल कंडीशन इन्वॉल्व है उसके लिए ब्रैकेट यूज़ करना, कोई भी डायरेक्ट नहीं लिखेगा, यहीं पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। तो एक्स ऑफ एन माइनस वन कितना, देखो यहाँ पे देखो यह कितना, जेड की पावर माइनस वन वाई ऑफ जेड, वाई ऑफ जेड फिर कितना प्लस वाई ऑफ माइनस वन, वाई ऑफ माइनस वन, ऐसे वाई ऑफ एन माइनस टू के लिए डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करके लिख दो। अगर बाहर कोई नंबर है या माइनस है, मैं तो ये कहूँगा सबसे पहले जब लिख रहे हो वैल्यूज़ को, इनिशियल कंडीशन वाले को, सबको ब्रैकेट में लिखो। कभी कभी यहाँ पर माइनस आया था बीच में तो यहीं पर लिख दोगे तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा शुरू में। हमेशा ब्रैकेट का यूज़ करो इनिशियल कंडीशन में। तो x ऑफ n माइनस टू यानी y ऑफ n माइनस टू के लिए सेम होगा, बस इसमें चेंज कर देंगे x को y में, z ये हो जाएगा y ऑफ z, z की पावर माइनस वन y ऑफ माइनस वन, देन कितना y ऑफ माइनस टू, फिर साइड में क्या x ऑफ n, x n, x ऑफ n का कितना आ जाएगा x ऑफ z। अब जो इनिशियल कंडीशन की मैंने वाई ऑफ माइनस वन कितना वन और वाई ऑफ माइनस टू टू, इन वाली वैल्यूज को लगा दो इसमें, बस इसको सॉल्व कर देना, और कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ही था कंसेप्ट। एक बार ये समझ आ गया तो काम बन गया। वाई ऑफ माइनस वन है वन, ऐसे यहाँ तो ये बाहर प्लस है, इसको तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जेड ऑफ माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वाई ऑफ माइनस वन है वन, और ये y ऑफ माइनस टू है टू, और x ऑफ z कितना हो जाएगा, x ऑफ n दे रखा मुझे, यहाँ पे ध्यान से देखो x ऑफ n है वन बाई टू की पावर n यू एन, तो यहाँ से x ऑफ z कितना आ जाएगा, x ऑफ z कितना आ जाएगा, इसका z ट्रांसफॉर्म कितना होता है, z अपॉन z माइनस वन बाई टू, यहाँ पर आर ओ सी से कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं कितना, z अपॉन z माइनस वन अपॉन टू, बस अब यहाँ पे इसको सिंपलीफाई कर लो और वाई जेड की वैल्यू निकाल लो पहले यहाँ से, थ्री वाई जेड माइनस फोर जेड की पावर माइनस वन वाई ऑफ जेड माइनस फोर प्लस जेड की पावर माइनस टू, और ये हो जाएगा जेड की पावर माइनस वन प्लस टू इजिकस टू जेड अपॉन जेड माइनस वन बाई टू। तो जो वाई जेड वाले उन वाले उनको कॉमन ले लो, कहाँ कहाँ पर, ये जेड स्क्वायर वाई जेड था, इसको करेक्ट कर लो यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ पे वाई जेड है वहाँ से वाई जेड कॉमन ले लो पहले। तो एक तो यहाँ से आया थ्री, और यहाँ से आएगा फोर जेड की पावर माइनस वन, और एक यहाँ से आएगा जेड की पावर माइनस टू, बाकी का टर्म कितने बचे, और कंबाइन कर दो माइनस चार प्लस दो माइनस दो हो गया, और ये कितना बचा माइनस का जेड की पावर माइनस वन, जेड अपॉन जेड माइनस वन बाई टू, क्या कर दो माइनस टू और जेड इनवर्स को इधर ले जाओ। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सिंपलीफाई कर लूँगा इस चीज़ को, कितना आ जाएगा ये थ्री अपॉन फोर अपॉन जेड, और ये वन अपॉन जेड स्क्वायर, इस वाली चीज़ को मैं इधर ले आ रहा हूँ, राइट हैंड साइड में ले आओ, माइनस टू इधर माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, जेड इनवर्स उधर प्लस है इधर माइनस का हो जाएगा, इसको मैं कैसे लिख लूँगा, वन अपॉन जेड लिख लूँगा, ठीक है, ये इधर जाके कितना हो जाएगा वन अपॉन जेड हो जाएगा माइनस का। अब क्या करना, दोनों तरफ एलसीएम ले लो, कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, जो नहीं होंगे उसको लिख लेंगे यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा थ्री जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर एलसीएम आ गया, फोर जेड प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा एलसीएम लो उसका, जेड माइनस वन बाय टू जेड, इसका एलसीएम आ गया, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कौन होगा जेड स्क्वायर, टू के साथ कौन होगा, दोनों ही मल्टीप्लाई होंगे, तो पहला आ जाएगा चलो टू जेड जेड माइनस वन बाई टू माइनस जेड के साथ क्या होगा, फिर अगेन जब भी दो से ज़्यादा टर्म हो और बाहर माइनस हो तो यूज़ करो ब्रैकेट। डिनोमिनेटर में एक टर्म कैंसिल हो जाएगा जेड का, इधर जेड स्क्वायर ये जेड को कैंसिल कर देगा, तो मेरा यहाँ से वाई ऑफ जेड कितना बचा, जल्दी से आप सोल्व कर लेते हैं, थ्री जेड इस यहाँ पे इसके फैक्टर भी कर सकते हैं, चलो उधर कर लेना जाके, अभी पहले इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पे कितना आ गया जेड स्क्वायर टू जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो अंदर, टू से टू कट जाएगा जेड बचेगा माइनस जेड प्लस वन अपॉन टू,
जेड माइनस वन बाय टू। तो यहाँ से ये वाई जेड कितना आ गया, थ्री जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस वन अपॉन जेड। ये कितना हो जाएगा, थ्री जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस वन बाय टू जेड माइनस वन बाय टू। अब क्या करो, इसका वह डिवाइड कर लो उधर ले आ, तो जेड हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, थ्री जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस वन अपॉन टू। ये डिनोमीटर में क्या आ जाएगा अगेन, थ्री जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस वन। यहाँ से कितना आ जाएगा, जेड माइनस वन अपॉन टू। देखो यहाँ से वन अपॉन टू आ रहा, तो टू के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो ताकि ये वन बाई टू खत्म हो जाए, और नीचे वाले के फैक्टर कर लेना। तो टू का के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखो यहाँ तो आ जाएगा वन अपॉन टू, ये जेड अंदर हो जाएगा सिक्स जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस वन। ठीक है, टू से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये समझ लो मैंने क्या किया है, यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। ठीक है, आगे क्या आ गया यहाँ पे, ये कितना बचा मेरा, थ्री जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस वन और जेड माइनस वन अपॉन टू, ये बचा। अब क्या करना, थ्री जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस वन के फैक्टर कर लो, तो वो आएंगे, सभी को फैक्टर करने मैं लिख ले रहा हूँ डायरेक्ट, सिक्स जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस वन के तो फैक्टर नहीं होंगे, लेकिन थ्री जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस वन के हो जाएंगे, वो आएंगे जेड माइनस वन बाय थ्री जेड माइनस वन, और ये जेड माइनस वन बाय टू, ये वन बाय टू है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या, वन बाय टू, वन बाय टू, तो ये कितना हो जाएगा, वन बाय टू की थ्री से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ से ये मेरा कितना आ गया, वाई जेड अपॉन जेड सिक्स जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस वन, नीचे हो गया जाएगा कितना, सिक्स जेड माइनस वन बाय थ्री जेड माइनस वन जेड माइनस वन बाय टू। ठीक है, अब क्या करना, सबसे पहले क्या करते हैं, जब वाई इनवर्स निकालते हैं, सॉरी इसका जब इनवर्स फाइंड करेंगे तो पहले क्या करते हैं, दोनों तरफ जेड से डिवाइड, हर एक क्वेश्चन में यही करते हैं, इधर तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये कितना आ गया, वाई जेड अपॉन जेड सिक्स जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस वन बचेगा, और नीचे कितना बच जाएगा, सिक्स, इसको ऑर्डर में लिख लो, किस ऑर्डर में लिखना, चलो जेड इसको छोटे से बड़े की तरफ लिख लो, जेड माइनस वन बाई थ्री जेड माइनस वन बाई टू और जेड माइनस वन, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है मुझे, तो मैं क्या लिख लूँगा, ए अपॉन, मैं क्या करता हूँ देखो, इसको वन अपॉन सिक्स को बाहर छोड़ दूंगा इस वाले को। ठीक है, चलो मैं इसको अगले उसमें लिख देता हूँ ताकि यहाँ पे मिस्टेक ना हो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये मुझे किसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, सिक्स जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस वन अपॉन जेड माइनस वन बाई थ्री जेड माइनस वन बाई टू और जेड माइनस वन, ए अपॉन क्या करूँगा मैं, जेड माइनस वन बाई थ्री, बी अपॉन, सभी को पार्शियल फ्रैक्शन आता होगा, नहीं आता तो वीडियो देख लें, मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, और वैसे भी लाप्लास में देख सकते हैं, लाप्लास में मैंने कराया हुआ और जेड में कराया हुआ, सब जगह मैंने कराया जहाँ जहाँ पे भी ये पार्शियल फ्रैक्शन आया, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो ए के साथ क्या टर्म आएंगे, डिनोमीटर कैंसिल हो जाता है, सभी करेंगे इसको जल्दी जल्दी, अब ये सब पुराना काम है, जेड माइनस वन बाई टू जेड माइनस वन आएगा, बी के साथ बी वाला टर्म छोड़ दो बस, वन बाय थ्री जेड माइनस वन, और सी की जगह क्या क्या आएगा, सी के साथ जेड माइनस वन बाई थ्री और जेड माइनस वन बाई टू, जल्दी से ए बी सी की वैल्यू निकाल लो, जब पुट जेड इक्स टू वन बाई थ्री लगाऊंगा तो मुझे ए की वैल्यू कितनी आएगी, वो मैंने निकाली हुई है, ए की वैल्यू आएगी थ्री, जब जेड की जगह मैं दूसरा निकालूंगा जेड की जगह लाऊंगा वन बाई टू तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस सिक्स, और जब जेड की जगह वन लगाऊंगा तो सी की वैल्यू क्या आएगी, मैंने निकाली हुई है नाइन आएगी, ए बी सी की वैल्यू ऊपर लगा दो, लेकिन क्या ये वाला सिक्स है, इस सिक्स को मत भूल जाना, तो यहाँ से ये कितना आ गया मेरा, वाई जेड अपॉन जेड वाई जेड अपॉन जेड, यहाँ पर ये सिक्स भी मैं बाहर लिख लेता हूँ, ए की जगह तीन है जेड माइनस वन बाई थ्री, बी की जगह सिक्स अपॉन यानी जेड अपॉन वन बाई टू, सी की जगह नाइन जेड माइनस वन बाई टू,
ये कितना आ गया, 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो और जेड की मल्टीप्लाई कर दो, मेरा वाई जेड कितना आ जाएगा डायरेक्ट, ये आ जाएगा 1/2 जेड माइनस 1/3, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा उसमें, तो जेड माइनस जेड अपॉन 1/2 ही बचेगा, 9/6 होता है यानी 3/2 जेड अपॉन जेड माइनस 1, इसका इन्वर्स ले लो सभी पे, कोई इसका इन्वर्स लेना आता है तो 1/2 जेड अपॉन जेड माइनस 1/3 का कितना होगा 1/3 की पावर n यू एन, इसका कितना होता है जेड अपॉन, इसका कितना जाएगा 1/2 की पावर n यू एन, और इसका कितना आ जाएगा जेड अपॉन जेड माइनस 1 का यू एन केवल, ठीक है, यही हमसे पूछा गया था, ये सब पुराना काम था, मेन काम था हमारा डिफरेंस इक्वेशन में क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको सीखना, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया होगा, बस एक बार ये सब्स्टिट्यूशन का सीख लो, बाकी का इसमें कुछ नहीं है ऐसा करने का, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।